हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। अजनी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले टुकड़ोजी पुतला चौक पर एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार से आ रही आपली बस ने बाइक सवार को रौंदा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दरअसल आज रविवार दोपहर लगभग 1:45 पर वर्धा रोड न्यू स्नेहनगर निवासी शैलेंद्र विजय जोशी नामक व्यक्ति घाट रोड पर लोहे का सौदा करते हुए एटीएम की खोज में टुकड़ोजी पुतला चौक पर आया था, लेकिन जब वह लौट रहा था उसी बीच महानगर पालिका संचालित आपली बस तेज रफ्तार से आ रही थी। उसी बीच सिग्नल बंद हुआ, जिसके चलते शैलेंद्र मानीवाड़ा से क्रीडा चौक जाने वाले मार्ग पर रुक गए, लेकिन उसी बीच पीछे आ रही आपली बस MH31CA6160 ने होंडा यूनिकॉर्न बाइक क्रमांक MH31VS8833 को पीछे से टक्कर मार दी, जिस पर शैलेंद्र सवार थे। इस जोरदार टक्कर के कारण शैलेंद्र की बाइक पूरी तरह बस के पहले दो चक्कों के बीच फंस गई, जहां मौके पर सूझबूझ दिखाते हुए शैलेंद्र स्कॉल करते हुए बाहर निकल आए, लेकिन बाइक फंसी ही रही। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अप्रैल की इस चिलचिलाती धूप में बाइक सवार की हालत यकीनन गंभीर होगी। बहरहाल जैसे ही दुर्घटना की भनक कर्तव्य पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल मालती पाल, साथ ही साथ नायब पुलिस कांस्टेबल गुणवंत देवतले ने दुर्घटनाग्रस्त शैलेश की सहायता की, जिससे सूत्रों के हवाले पता चला है कि बस के ब्रेक फेल थे। इस समय हादसे में घायल हुए शैलेंद्र विजय जोशी ने पूरा हवाला बताया है। मैं सिग्नल पे ईमानदारी से खड़ा था, पीछे से बस वाले ने आके मेरे को ठोका, गाड़ी तो बस के नीचे फंसी है। मैं कैसा कैसा क्रॉल होते होते बाहर निकला, तो इसलिए मैं बच गया। घुटने पे थोड़ा, मांडी पे थोड़ा सा लगा है, लेकिन बाकी मेरी जान बच गई। कहाँ से कहाँ जा रहे? हेलमेट भी पहना था, हेलमेट रखा ही है। एटीएम देखने के लिए आया था, IDBI का एटीएम बंद था यहाँ पे। मेरे को कैश विड्रॉ करना था, क्योंकि मैंने लोहा लिया था घाट रोड से। शैलेंद्र विजय जोशी, मेरा रहना है वर्धा रोड छत्रपति चौक के पास, स्नेहनगर, न्यू स्नेहनगर। गनीमत रही कि आज घायल की जान बच गई, लेकिन यह हादसा एक सवाल छोड़ गया कि आखिर जनता की सेवा का बीड़ा उठाने वाली आपली बस प्रशासन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। जानुमान तो बस के ब्रेक फेल होने का लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस सच्चाई को दरकिनार पे किया जाए तो दूसरा सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि यदि यह हादसा बस में बैठे यात्रियों समेत होता तो कितने लोगों की जान की हानि होती। आज बढ़ते ट्रैफिक और जनसंख्या के मद्देनजर एक सशक्त और फिट यंत्रणा की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसे हादसे कितने परिवार उजाड़ेंगे पता नहीं है। बहरहाल इस हादसे ने प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उपस्थित किया है, जिसका विचार होना जरूरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।